बौड़ी बाड़ा के संसार नाश। बौड़े लांबे वक्ता बाद संसारा दी बौड़े भारी लोग रोवाते, से बौड़े दुष्ट ओजो झगड़े करने वाले गे ते बोने। सब लोग इतने नेंडे गे ते होय की परमेश्वरे आखिरी बचार कियो की एक बौड़े बाड़ा के पूरे संसार नाश करना चाहिए। पर परमेश्वर नूहा के बड़ो खुश तो सौ धर्मे आदमी तो दुन दुष्ट आदमी मांझी रोवा तो परमेश्वर नुहले बोलो कि सौ एक बॉडी तकड़ी बाढ़ भेजने वाड़ो आ। तेथी बजा के परमेश्वर नुहले एक बॉडी किस्ते बनाने बोलो। परमेश्वर नुहले एक किस्ते बनाने बोलो जुन कम से कम 140 मीटर लंबे औजो 23 मीटर चौड़े औजो 13.5 मीटर उष्टे बनाने। नुहले सौ किस्ते जुकड़े के बनाने थे औजो तेती चौन मांजले खासे कमरे औजो छेपर औजो खिड़के बनाने थे। सौ किस्ते नुहले तेवे टोबरले औजो माटे में थे जेती रंगे भी जानवर आ तीना सौबिले तेया बाड़ा के बचावना लेते। नूह है परमेश्वर हुक्म मानो तेवे औजो तेवे चौने भावे तेण ही किस्ते बढ़ावे जैने परमेश्वर है तेवले बोलो दो तो किले की सौ किस्ते सारे बॉडी ते तेई तेथा बढ़ाने ले खासे वर्ष लगे। नू है लोग ले आने बाड़ी बाड़े बारे दी चेतावो औजो तिने ले परमेश्वरी बातें मानने ले बोलो और तिने तेवे बातें विश्वास ना कियो। परमेश्वर नुहले औजो तेवे टोबरा ले औजो सोभी जानवर ले डोटियो अनाज कोठे करने आदेश देनो। जे भी सब कुछ तैयार गयो तो होए देखो परमेश्वर नुहले बोलो कि एबे तेवो तेवी लाड़ियो औजो तेवे चौने भावो औजो तीनी लाड़ियो कुल मिलायो 8 आदमियों किस्ती भीतरे भागने वक्त आई गयो तो। परमेश्वर सोभी रंगे जानवर औजो चौड़कुए नर औजो मादा सब नुहा बिले भेजे ताकि से किस्ती भीतरे जे भी बाढ़ आछा ते भी बचे सका। परमेश्वर सभी रंगे जानवर 7 नर औजो 7 मादा भेजे जौले सौ बोली चढ़ावी सका तो जे भी सब तया किस्ती दी चढ़े तेथा बाद परमेश्वर आप ही तया किस्तियों द्वार उडो। देखो पानी पड़ना शुरू हुओ औजो पानी पड़ दो लागो औजो पड़ दो ही रोनो दौरती दी पानी कबोलो ही लाग दो रहो 40 दिन औजो 40 राची से गए दौरती भीतर के भी पानी फूटे फूटे हो बहरे निकल दो लागो। संसारी सब के सब चीजें पानी मांझी डूबी इधे ते कि उष्टे के उष्टे धार भी पानी मांझी डूबी। सिर्फ 3 आदमी औजो जानवर जुन किस्ती भीतर थे 3 छाड़ियो हर एक चीज जुन सूखी दौरती में थे रोने वाले थे सो हर एक चीज खत्म हुए। पर जितने लोग औजो जानवर किस्ती भीतर थे से सब बचे। सौ किस्ते पानी में थे तैर दी रोई लगी तया किस्ती भीतर हर एक चीज डूबने के बचे। पानी कोसने बाद 5 जमीन से के किस्ते पानी में थे तैर दे रोए इते बाद पानी गढ़ दो लागो। देखो एक दिन सौ किस्ते एक दार में थे टिके देखो भी ए भी सिके संसारा दी भोरी पानी तो 4 महीने बाद उष्टे उष्टे दारे टीरे दिशती लगी। देखो 40 दिन बाद नूहे एक कावड़ो बैरे छाड़ो शाण ले कि पानी सूको कि ना सूको। सौ कावड़ो सूखी दौड़ती लोड़ियो ओरे पोरे उड़दो रहो पर तेवले किधरे भी जागा ना मिले। देखो नू है एक कबूतरे बैरे साड़े पर तेले भी सूखी दौड़ते किधरे ना मिले। 2300 कबूतरे नूहा बिले वापिस आए 7 दिन बाद तेवे 100 कबूतरे बैरे साड़े। देखो 100 कबूतरे अपनी चुंजा दी एक जैतूने हरे पाचा पाए आए पानी सूख दो गयो तो लागे औजो बूढ़ जाट फिर लूंगदे गे ते लागे। नूह 7 दिना पोखियो रहो औजो 94 100 कबूतरे बैरे साड़े एपकी बेरे तेले रुकने ले जागा मिले एपकी बेरे 100 वापस ना आई पानी सूख दो तो लगा दो। 2 महीने बाद परमेश्वर नूहले बोलो एबे तू औजो तेरे टोबर औजो सब जानवर किस्ती के बेरे निकड़ो बॉडी सारी लुआ दे औजो पोत्रु धोत्रु पैदा करो औजो धरती दी भरियो। देखो नूह औजो तेवे टोबर तया किस्ती भीतर के बैरे निकले। किस्ती के बैरे निकलने बाद नूह है एक वेदी बढ़ावे औजो बोली चढ़ाने वाले सब जानवर मांझी के कुछ बोली चढ़ावे। परमेश्वर तया बोली के बड़ो खुश हुओ औजो नूह औजो तेवे टोबरा ले बरगद देने।
परमेश्वर बोलो, मुँह सो खाऊं कि आदमी बुरी कामी वजह के दौड़ती ले के भी श्राप ना देऊं, और जो ना ही बाढ़ भेजियो संसार नाश करूं, किले की आदमी उछड़े के ही पापी हो। देखो परमेश्वर अपने वाचे निशानी से के प्रेड़े बढ़ावे, जेबी भी स्वर्ग दी प्रेड़े दिशिया तेवी परमेश्वर ले जुड़ते हुए सो किए देते ते थले याद करा, और जो तेनो ही ते हुए लोग भी याद करा। उत्पत्ति पाठ 6:8 के एक बाइबल कहानी।